नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारी माटी भारे लोग में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने विदेशों में जाकर अपने लिए जगह बनाई और हरियाणा का मान बढ़ाया, जिनकी कहानी हमें गर्व का भाव देती है तो नौजवानों को सीख देती है। जी हाँ, हमारे साथ हैं रवि शर्मा जी, जो कि लंदन में लायका दिल से रेडियो के कंटेंट हेड हैं और बहुत ही फेमस आरजे हैं। तो आइए जान लेते हैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले रवि शर्मा जी के बारे में। मूल रूप से बखेता गांव के परिवार में जन्मे श्री रवि शर्मा जी का जन्म 1953 में उनके मामा के गांव टिटोली में हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त कर बीए और बीएड उन्होंने एमडीयू रोहतक से और एमए हिंदी कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय से की। शुरू से ही मंच कला से जुड़े श्री रवि शर्मा जी 1984 से लंदन में बसे हैं और पहले सनराइज रेडियो और अब लायका दिल से रेडियो पर बतौर आरजे और हेड ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन कार्यरत है। प्रसिद्धता के साथ साथ मन संचालन के क्षेत्र में भी रवि शर्मा लंदन के साथ पूरे यूरोप में अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। लंदन के स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का मन संचालन भी श्री रवि शर्मा जी ने ही किया था। दिल से हरियाणवी प्रेमी श्री रवि शर्मा जी पिछले लगभग 30 सालों से लंदन में हरियाणा दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार सभी दर्शकों को भी सप्रेम प्रणाम। रवि जी, आपकी आवाज लंदन में गूंजती है, बहुत ही जानी पहचानी है, ये शौक आपको कैसे लगा था? बचपन से एक भीड़ से अलग दिखने का चाव काफ़ी लोगों में होता है और मुझे याद है कि बचपन में एक दिन स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, बखेता के या टिटोली के, उस समय रोहतक की, अच्छा रोहतक के प्राइमरी स्कूल में एक में, हाँ टिटोली बखेता दोनों के स्कूल में थोड़े थोड़े दिन में गया। गांव है, एक मेरा पैतृक गांव है, एक मेरा मातृक गांव है। टिटोली आपका मातृक गांव है? हाँ, मामा का गांव है और बखेता, बखेता गोरड़ बखेता। लेकिन रोहतक के एक प्राइमरी स्कूल में मुझे याद है कि जो सुबह असेंबली होती है, प्रेयर होती है, तो उसमें जो लीड करने वाले बच्चे हैं वो तीन बच्चे होते थे, तीनों में से दो नहीं आए और अकेला बालक उसे एक साथी चाहिए था जो खड़ा होकर के साथ प्रेयर गा सके, फिर सारा स्कूल फॉलो करता था। मैं उस दिन नई पैंट पहन के गया था स्कूल में और जब कहा भाई कोई लड़का साथ आके इसे ज्वाइन करे, तो मैंने सोचा कि अपनी नई पैंट दिखाने का ये बड़ा अच्छा मौका है, सब सारा स्कूल देखेगा। मैं जाके पहली लाइन में उसके साथ खड़ा हो गया और साथ में प्रेयर गाई, तो मुझे लगा कि पैंट से ज़्यादा अच्छी मेरी आवाज़ सराही गई। तो फिर एहसास हुआ कि गाने में बड़ा मज़ा है, लोग तारीफ़ करते हैं बाद में, टीचर्स भी और साथ ही स्टूडेंट्स भी। तो फिर धीरे धीरे उधर रुझान बनने लगा। ये बहुत छोटी उम्र की बात है, मेरा ख्याल प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ना लिखना शुरू किया था तभी की। उसके बाद एक कोई अवसर ऐसा था जब एक गीत मैंने गाया स्कूल की असेंबली के सामने, तो टीचर ने 58 इनाम में दी, 50 पैसे। दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड एंड दैट गेव मी सो मच एनकरेजमेंट। आई थिंक दैट मेड मी यू नो व्हाट एवर आई एम टुडे। मतलब उसने आपको ये ख्याल दिया कि आपको ये सोच दी कि अगर ऐसा कुछ और क्रिएटिव आप क्रिएट करेंगे, कुछ और क्रिएटिव निकाल के लाएंगे, तो इनाम के रूप में कुछ और भी आएगा। एप्रिसिएशन मिलता है, पैसा भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, सत्कार भी मिलता है, तो ऐसा काम क्यों ना बार बार किया जाए, क्योंकि ये मौका का बार। एक बच्चे को उसके हुनर पर दी एक अठन्नी ने कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी की नींव रखी, कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। आप में से भी जब आप किसी स्कूल के फंक्शन में जाएं, किसी सोसाइटी के फंक्शन में जाएं और आप देखें कि किसी बच्चे में कोई खास गुण है, आपकी छोटी सी एनकरेजमेंट उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, इसका एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हैं। आपने रोहतक से आवाज़ की दुनिया में काम शुरू किया और आप लंदन में जाके आपने एक परचम लहराया। ये जर्नी रोहतक से लंदन कैसे पहुँची? दरअसल पहली बार तो मैं मॉरिशस गया था, एक कार्यक्रम करने का मुझे अनुबंध प्राप्त हुआ और
अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए पैसों की आवश्यकता होती थी। स्वाभिमान के कारण मैं घर से मदद नहीं लेता था। ये साबित करना चाहता था कि मैं अपना खर्च खुद उठा सकता हूँ बचपन से ही। तो ऐसे में शुरू शुरू में मुझे कुछ दिन रोहतक की सड़कों पर रिक्शा चलाना पड़ा, पर वो मैं चलाता था बड़ा चुपके, ताकि घर वालों को ना पता लगे, दोस्तों को ना पता लगे। और थोड़ा सा मेरे एक दोस्त थे सरदार जी, उनकी पगड़ी पहन के, तो रात को चलाता था सैटरडे की नाइट। आप पगड़ी इसलिए पहनते थे कि पहचान जो है थोड़ी छुपाई जा सके, किसी को पता ना लगे, वरना घर वाले नहीं चलाने देते, वो कहते कि हम मेरा खर्च। हाँ, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे समाज में ये चीज़ स्टेटस से भी जुड़ी हुई है। कौन किस लेवल पे काम करता है, हालांकि वो काम था और मेहनत का काम था और अपने स्वाभिमान के लिए आप कर रहे थे, बहुत ठीक कर रहे थे। अगर मैं उसे छुपाना चाहता तो आज फिर बताना नहीं चाहता। आज मैं गर्व से जो बात बता रहा हूँ, उस समय मेन कारण छुपाने का यह था कि घर वालों को अगर पता लगेगा उन्हें दुख होगा कि बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, जबकि हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी बच्चों को भाइयों को कर रहे थे। लेकिन बचपन से ही ये सोचा था कि अपने पांव पर खुद खड़े होना है। तो कुछ दिन वो चलाई, फिर धीरे धीरे स्कूल में जब ये इनाम मिलने लगे तो मुझे लगा कि जो काम मैं बातों से कर सकता हूँ तो हाथों से और पसीना बहा के करने की आवश्यकता क्या है, थोड़ा इधर ध्यान दें। मैं रिक्शा चलाता था, 2.5 रुपये किराया देता था, रात में 9-10 रुपये कमा लेता था, उनमें से 1-1.5 रुपये का दूध पीने के बाद भी मैं पैसे इतने बचते थे कि वो सप्ताह भर चलते थे। लेकिन जो कॉम्पिटिशन स्कूल में होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स, उनमें डिबेट, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, म्यूज़िक, मोनो एक्टिंग, इन सब में कैश प्राइजेज होते थे। और यूजुअली पहला इनाम 100 रुपये का, दूसरा 75 रुपये का, तीसरा 50 रुपये का मिलता था। तो एक इतनी राशि, बड़ी राशि होती थी ये उन दिनों में। आपको बताऊं कि मैं 100 रुपये को टारगेट बना के चलता था, 50 तो लेके ही उतरता था। अरे पहला नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा, दूसरे तो तीसरा। अच्छा है, पर ऐसा लक्ष्य होना अच्छा है। आपने एक लक्ष्य बनाया कि 100 तो लेने हैं, पर कहीं ना कहीं आसपास आप पहुंचते थे उसके। जी, तो ये जो एक सोच थी कि आप जिस, जो आपका पैशन है, जो आपका हुनर है, उस हुनर से ही आप कुछ निकालेंगे। जी, यही सोच थी कि उसने, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, ये हरियाणा के बहुत सारे कलाकारों के लिए एक सीख हो सकती है। आप अपने हुनर के साथ साथ थोड़ा सा व्यापारिक नज़रिया भी रखिए कि कैसे आप उस हुनर से ही, उसी से ही आप अपनी इनकम, अपनी आजीविका निकालेंगे, है ना। और वो हो सकता है, उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है रवि जी और रवि जी की कहानी कि कहाँ से, कभी रिक्शा चलाते थे अपनी मेहनत के लिए, अपनी मेहनत से कमाई के लिए, और आज मर्सिडीज एस क्लास लंदन में, और नाम भी नेम प्लेट पे अपना प्राइवेट नंबर है रवि जी के नाम से, लंदन में अपने नाम के साथ गाड़ी का नंबर है। कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है ना। तो कमाल है सर कि आपने, आप इतने सालों से वहां जुड़े हैं, आप इतने सालों से लंदन में रहते हैं, लेकिन जब भी आपसे कभी बात होती है, दिल आपका वैसा ही हरियाणवी है। अब क्या करें, हार्ट रिप्लेसमेंट तो अभी, दिल की रिप्लेसमेंट तो कराई नहीं है, ना हो सकती है। ओरिजिनल है हरियाणवी जो संस्कृति है, भाषा है, फिर हमारे यहाँ जो तीज त्यौहार हैं, मेले हैं, लोग हैं हमारे, वो सब इतने, कहते हैं ना कि आप किसी हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी से बाहर नहीं निकाल सकते। और ये बात मैंने वेम्बली स्टेडियम में मोदी जी के शो में कही थी कि सबसे कहा कि आप इतना ज़ोर से बोलिए कि दिल्ली तक आवाज़ पहुँचे, और हम उन्हें बताना चाहते हैं जो भारत में बसे हैं लोग कि आप भारत में बसते हैं, भारत हमारे दिल में बसता है। वाह वाह, उन सब लोगों के लिए ये भी ध्यान देने वाली बात है जो कभी सालों से हरियाणवी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, हरियाणवी से दूर रहना चाहते थे, हरियाणवी से बचना चाहते थे। लंदन में इतनी बड़ी अचीवमेंट रखते हुए, इतना रसूख है, इतना नाम है, भाई साहब के तो पहने हुए कपड़े भी नीलाम बड़े अच्छे भाव से होते हैं, इनके फैन, इतनी बड़ी फैन मिले हैं इनके, लोग दीवाने हैं इनके, लेकिन इनके अंदर हरियाणा वैसा ही बना हुआ है, वैसा ही इन, ये हरियाणा से जुड़े हुए हैं। बहुत सालों से आप हरियाणा दिवस भी मनाते हैं। जी, काफ़ी सालों से मना रहे हैं, लगभग 25 साल हो गए हैं। 25 साल से आप, मतलब अपने ही मन से, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई सरकार ने सहयोग? नहीं नहीं, शुरू में तो स्वेच्छा से, लोगों को जोड़ने के लिए, कि वहाँ हरियाणवी हैं थे और बिखरे हुए थे, अब तो संख्या बढ़ रही है, अब तो हम काफी लोग,
साल में एक से ज़्यादा फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, लेकिन साल में कम से कम एक आयोजन ऐसा हो जिसमें हम कहीं कहीं बसे हरियाणवी इकट्ठे हों, और उस समय ढूंढ ढूंढ करके लोगों को इकट्ठा करना, फिर उनके फ़ोन नंबर संजो कर रखना ताकि समय पर उनसे संपर्क किया जा सके, फिर हरियाणवी रागनी, हरियाणवी नृत्य, इन सब के लिए भी साधन जुटाना, थिएटर लेना, बाद में तो सब साधन जुटते चले गए, और अब तो बड़े अच्छे स्तर पर अभी हमें मीडिया कवरेज भी मिलती है, फिर रेडियो से मैं खुद भी कवर करता हूँ, टीवी पर भी हमारा हरियाणा डे कवर, यहाँ दूरदर्शन पर भी दिखाया गया, आप भी दिखाते हैं, तो इस तरह से अब तो संख्या भी बढ़ रही है हरियाणवीज की, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, तो आसान हो गया है, पर शुरू में थोड़ा सा मुश्किल था, पर ये एक पैशन है अपने लोगों से, अपनी भाषा से, अपनी मिट्टी से। अब यहाँ तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ जो आमतौर पर, लेकिन जब स्टेज पर खड़े होकर हरियाणवी बोलते हैं ना जी, ओहो हो हरियाणवी की फाचरसी पाड़ा नहीं हुआ है, अंग्रेजी भी बोलेंगे तो हरियाणवी में बोलेंगे, बोले फोक्स बाज हैंगरी डोड़े डोड़े भाजरी आई हम न डड़ा मार्यार शिवास दड़ पड़ी। रवि जी की कहानी जितनी इंस्पायरिंग है, आपकी बातें आपकी कोशिश भी हैं, बहुत सारे हरियाणवी जो अलग अलग भाग में बसे हुए हैं दुनिया के, चाहे वो हिंदुस्तान के शहरों में हैं चाहे विदेशों में हैं, वो इनकी कोशिशों से, जो कोशिश ये कर रहे हैं अपने हरियाणवीपन से जुड़े रहने की, उससे सीख सकते हैं। आप भी अपने यहाँ इस तरीके के प्रोग्राम जो हरियाणा से संबंधित है, हमारी संस्कृति से संबंधित है, उनसे उनको लगातार अगर आप करेंगे या उनको आप अच्छे लेवल पर अगर आयोजित करेंगे तो हम चैनल की तरफ से, हम एनडी हरियाणा की तरफ से आपका पूरा सहयोग भी करेंगे। ये बहुत अच्छा है जो आप कोशिश कर रहे हैं कि जिसके द्वारा हमारी जो कम्युनिटी वो जुड़ी हुई है। इसमें आपका बड़ा सहयोग रहा है अरविंदर भाई, क्योंकि मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ जो हम गीत बजाते हैं उनमें आपकी रचनाएं, आपने शूट किया वहाँ गाना, आपके लिखे हुए मतलब रिकॉर्ड किए हुए गीत हम बजाते हैं। और देखिए हरियाणवी गीतों की फरमाइश पंजाबी लोग करें, गुजराती लोग करें, तो ये भी एक उपलब्धि है के जी। हरियाणवी में आप देसी का पौवा काफ़ी बजाते हैं। हाँ वो उसकी फरमाइश आती है, मुंबई ने ठागरो तक में दर्द फरमाइश आती है उसकी। हाँ, और अब तो मैं जब लोगों को कहता हूँ कि भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बम्बई रो तक में दर्राखी है उस यू नो जो हरियाणा ये एक सुपवा यूनिवर्सिटी जो बनी है रोहतक में, उसकी इंस्पिरेशन का काम भी कहीं ना कहीं ये गीत कर गया था जी, क्योंकि पहली बार उस जमाने के मुख्यमंत्री जी ने जब ये घोषणा की थी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो कर ये बम्बई, वो गीत कहता है ना टीवी पे कि बम्बई ने ठाकर रोहतक में दर दूँ, हम बम्बई ने रोहतक में धरेंगे, हम यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये गीत जो था, इस गीत ने उनको इंस्पायर किया, प्रेरणा बनी, और आज एक 400 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सिनेमा पढ़ रहे हैं, उस इतने खूबसूरत कॉम्प्लेक्स के पीछे, उस यूनिवर्सिटी के पीछे उस गीत ने अपना रोल निभाया। और लास्ट टाइम तो वहाँ शूटिंग चल रही थी, गुलशन ग्रोवर शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मिल के जाइएगा, आपके शहर में देखिए कि क्या रंग खिले हैं, क्या खुशबू फैल रही है। बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है और आपसे आपके कई टैलेंट हैं, उन सब पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सबका फिर से मारी माटी मारे लोग में, और आज हमारे साथ हैं लंदन के फेमस आरजे रवि शर्मा जी। रवि जी, आपने एक म्यूजिक वीडियो किया था धारे जब पहुंचा इंग्लैंड, उसमें आप धारे थे जी, कैसा रिस्पॉन्स रहा लंदन में उसका? लंदन में लोगों ने पसंद किया, जिन्होंने भी देखा, और धारे जब पहुंचा इंग्लैंड उसमें उसकी जो मासूमियत है, अंग्रेजों से वार्ता करते हुए, वो भाषा नहीं जानता, वो वहाँ के तौर तरीके नहीं जानता, उसके बाद भी वो इंग्लैंड में मतलब जा कर के एंजॉय करने में सफल होता है, तो ये एक हरियाणवी की क्वालिटी है ये, और जड़ा चला जाएगा काम चला लेगा क्यों करे नहीं क्यों करे। तो उसमें वहाँ शूट करते हुए कई अच्छे अनुभव हुए, उनमें अंग्रेज लड़कियाँ हमारे साथ काम कर रही थी, वो भी बताती हैं कि उन्होंने बड़ा एंजॉय किया शूट करते हुए। लेकिन एक घटना आपको याद होगी कि हम पार्लियामेंट के नज़दीक शूट कर रहे थे, आपके हाथ में हुक्का था, मेरे हाथ में हुक्का था, वो प्रॉब्लम बढ़ गया, क्योंकि वो देखने में ऐसा लगता था उन लोगों ने कैमरे पर, वहाँ आपको पुलिस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, और जो नज़र आएगी तो उसके पास कोई हथियार नहीं होते हैं, ऐसे बड़े सुलझी हुई
अब वो कहते हैं हम बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, पुलिस है। बात बातों में प्यार से करते हैं, लेकिन उनके कैमरे इतने सटीक हैं, आपको बताऊं कि इट इज़ द मोस्ट, लोग कहते हैं कि विजिलेंस सोसाइटी इन ब्रिटेन, आफ्टर एवरी फ्यू स्टेप्स देयर आर कैमराज। और उस इलाके में तो कहते हैं कि आपकी सैकड़ों तस्वीरें खिंच जाती हैं गुजरते हुए। तो वहाँ वो हुक्का देख करके पुलिस वाले आ गए, बोले जी व्हाट टाइप ऑफ गन इज दिस, और नड़ी निकली हुई है उसकी। यू रिमेंबर दैट वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम, हमें उन्हें बताना पड़ा कि ये हुक्का है, सीसा है इसे जो लोग कहते हैं मिडल ईस्ट में, और ये तो कोई हथियार शस्त्र नहीं है। तो उन्होंने उसकी जांच परख की, और फिर हमने अपने आइडेंटिटी कार्ड्स दिखाए कि हम कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मैं इक्विटी का मेंबर हूँ, आप यहाँ की प्रोडक्शंस कंपनीज के काफ़ी उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो संतुष्ट हो गए, उन्होंने हमें हेल्प की। दर्शकों को मैं बता दूँ कि धारे जब पहुँचा इंग्लैंड, हरियाणा का पहला ऐसा वीडियो था जो विदेश की भूमि पर शूट हुआ। रामनिवास आईएएस ऑफिसर जी ने इनको लिखा था और गाया था, मैंने इसका निर्माण और निर्देशन किया था, और रवि जी ने उसमें धारे का किरदार किया था। हमने लंदन की ही हर मेन जगह पर, हर मेन साइट पे, हर मेन लोकेशन पे उस गाने को शूट किया था, क्योंकि हमें वो ग्लिम्स देना था। तो चलिए आपको दिखाते हैं धारे जब पहुंचा इंग्लैंड की एक झलक। धारे जब पहुंचा इंग्लैंड, दिल में बजने लगे बैंड, हो गया रजी जब देखी धरती इंग्लैंड की। धारे जब पहुंचा इंग्लैंड। तो सर आप लिखते भी हैं, आपका एक किरदार रहा कि आप गीत लिखते भी हैं, गुनगुनाते हैं, और जब भी मैंने कभी लंदन में मेरा जब भी आपसे मिलन हुआ है, मिलते हैं, तो आप उस टाइम में हारमोनियम लेके गीत गाते हैं, और आपका एक खास भजन है जो आपने कभी यूथ फेस्टिवल में गाया था, तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों से वो भजन जरूर है, आज जरूरत पड़ेगी रे कृष्ण, वो सुनाइए। क्या बात है, वो गीत जैसे गीता में संदेश दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जस्ट टू रिमाइंड लॉर्ड कृष्णा, You gave us word and it is the time you should come, but this time you don't have to come to Mathura or Vrindavan. अब आपकी इन्हीं explanation को हरियाणवी में समझे, इस भाव को इन्होंने शब्दों में कितने अच्छे ढंग से कहा है। Come to Haryana. Come to Haryana. That is Haryana. हाँ, ये बाइक ख्यास करियो, सुनाओगे। फिर एक बे वृंदावन में रास करिए, आज जरूरत पड़गी रे कृष्ण ख्यास करिए, हो फिर एक बार हरियाणा में रास करिए। रास करने भले वहाँ जाना, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जागृत करने के लिए हरियाणा आना पड़ेगा आपको, अर्जुन को प्रेरित करने के लिए, बुराई के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हरियाणा आना पड़ेगा। इसमें ऐसा पैर के न दौड़े लते, काग सारे हंस हो गए, सच्चाई के ताड़े भिड़गे, घर घर के माँ कंस हो गए, पांडवा का खोज नहीं कोरवा के वंश हो गए, पांडवा का खोज नहीं कोरवा के वंश हो गए, थाम सुदर्शन तू दुष्टा का नाश करिए, आज जरूरत पड़गी रे कृष्ण ख्यास करिए, हो फिर एक बार वृंदावन में रास करी। आपका एक और आइटम बहुत हिट रहा था, अगर आपके पुराने जमाने में मैं जाऊं तो आप एक हरियाणवी में कमेंट्री सुनाते बहुत रेयर से रेयर पीस है, जिन लोगों ने भी उस जमाने में सुना है वो उसके दीवाने हैं, उनको दोबारा उसका मैच नहीं मिला कहीं हरियाणा अब तक नहीं मिला है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि आज हम जहां बैठे हैं और हमारे दर्शक हैं जो हमारी बोली भाषा के हैं, और जहां इन चीजों में आपकी जो टोन आती है वो बहुत ही परफेक्ट आती है, प्योर हरियाणवी, और हरियाणवी के साथ साथ प्योर रोत की आती है, तो एक छोटा सा ग्लिम्स उस जो कमेंट्री को हम सुनाइए। अब देखिए ना कि हम लोग हिंदी में कमेंट्री, अंग्रेजी में कमेंट्री सुनते रहे, और हमने कहा कि यही खेल अगर इतना लोकप्रिय हो रहा है तो हरियाणा में खेला जाए, और फिर कमेंट्री हरियाणवी में दी जाए तो कुछ इस तरह की होगी। 70s की है ये, 70 के दशक में लिखी हुई है जो मैं अभी सुनाएंगे। हम बैठे जोड़ तोड़ बिठाते रहते तो कमेंट्री बना ली, ला भाई मैं देखने लाग रहा हूँ ग्राउंड के माँ ठट रुप रहा, लोग लामनी छोड़ छोड़ आ रहे क्रिकेट देखने इकट्ठी हो रही थी, अरे भाई नायका चाल गिंडो लेके
नाई के ने गिंडो बगैर मारी थापी मड़ाका उठे गिंडो गई बावड़ी लेन कारी चारण खातिर मेरे बेटे ने गिंडो की रेल बढ़ा दी कुमार के ना पाकिट लिया अंगाल आके उल्टी बगाई गिंडो हैंड फेरे के उल्टी नाई के हाथ था मैं पर इतनी हाण में मेरे बेटे कला बढ़िया दो चक्कर काट गई दो रैन बिना किसी नुकसान के लाला केदारनाथ ने बही खोल के खाती में दो रन लिख दिए। अरे फिल्डन की जमावट बता दूँ सरता खड़ा से सोड़े हाथ नहीं मांगे खड़ा से ओढ़े हाथ नहीं लीलू खड़ा से ना किसी में अरियो पीलू राधे बणिया प्यारे राई से मेरे बटी खूटिया के पाछे ने गिंडो ने लपकण की खातिर कोडे हो रही हैं स्लिप में जनवा गाय मरते हो। आप एक तरफ से रेडियो का कार्य करते हैं बहुत बारी आप जो रस्म और रिवाज में भी आपका एक बड़ा नाम है कि हिंदुस्तानी आपको बुलाते हैं आप... वो मेरा शौक है लेकिन मैंने कभी रेडियो पर उसको प्रचारित नहीं किया लेकिन आपका नाम बहुत बड़ा है उसके लिए कि ना एक वो एक किरदार है पंडित रवि शर्मा का वो एक अलग किरदार है आपका तो वो जो परचम है वो पूरे यूरोप में घूमता है। बस कुछ लोग जो जानते हैं वो वेट करते हैं कि मेरे पास डेट हो तो मैं वहाँ की एमपी है जो हमारे इलाके की सीमा मल्होत्रा अपनी भारतीय लड़की है जब उसकी शादी हुई तो उसकी शादी की सेरेमनी मैंने कंडक्ट की। एक बात है कि लोग चाहते हैं कि संस्कृत की जो हमारी ये परंपराएं हैं सेरेमनीज हैं तो इनको अंग्रेजी में अनुवाद करके एक्सप्लेन किया जाए। जस्ट चैंटिंग मंत्रास इज नॉट इनफ इफ यू कैन एक्सप्लेन देम देन इजी ट्रांसलेशन सो आई ट्रांसलेट द होल सेरेमनी। हरियाणा में भी एक मुद्दा है कि गांव में शादी करने का या सब गोत्र में शादी करने का इस पे बड़ी चर्चाएं हैं युवा कुछ कहते हैं बुजुर्ग कुछ कहते हैं आपका अनुभव यूके में रहने के बाद क्योंकि हम आपको एक मॉडर्न भी मान सकते हैं हम आपको एक एक्सपोज्ड भी मान सकते हैं जो दुनिया को जिसने देखा है समझा है जाना है आप उस नाते क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। मैं बड़े सोच समझ के ये बात कहना चाहता हूँ कि जब लोग मेरी हरियाणवी संस्कृति पर और मेरे हरियाणा के लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ बड़ी तालिबानी संस्कृति है लोग फोर्स करते हैं बच्चों को कि सेम गोत्र में विवाह क्यों कर रहे हो उनको गुस्सा करते हैं आई डोंट एनकरेज दैट के भाई यू टेक द पुलिस जॉब इन योर हैंड्स बट इट इज़ आवर ड्यूटी टू एक्सप्लेन दैम वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू मैरी विद इन द गोत्र। अपने गाँव में विवाह का गाँव तो एक परिवार है वहाँ की हर लड़की आपकी बहन है आप बहन भाई हैं। नाउ नॉट ओनली दिस रीजन देर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट एक वैज्ञानिक तथ्य को समझ लीजिए आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ये बात कहती है कि इफ़ यू वांट एन हेल्थी जनरेशन अगर आपको चाहिए कि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो और ब्रेनी हो अच्छे मस्तिष्क वाली तो कज़न से विवाह ना करें। सेम मतलब चाचा था वो बहन में आपके दो भाई हैं और दोनों भाई अपने दोनों बच्चों की शादी करें ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं डिजीज लाइक थैलीसीमिया दे से इन वेस्टर्न वर्ल्ड उनकी रिसर्च ये कहती है वेल दे आर ट्राइंग टू यू नो सेट अप द स्पेशल यूनिट्स इन हॉस्पिटल टू एक्सप्लेन टू पीपल दैट यू कैन अवॉइड सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस बाय गेटिंग मैरिड आउटसाइड ऑफ योर फैमिली अपने परिवार से बाहर अपने गांव से बाहर और भाई अगर अफोर्ड कर सको तो देश से बाहर क्योंकि दैट विल उससे तो और अच्छे हैं कम से कम एक नई दुनिया क्रिएट हो। यस यू विल ब्रिंग द कम्युनिटीज क्लोजर लैंग्वेजेस क्लोजर ट्रेडिशंस क्लोजर रिलीजन्स क्लोजर। तो विवाह का मतलब क्या होता है सोचा जाए तो विवाह दो छोर जोड़ने हैं जो पहले से जुड़े हुए उन्हें जोड़ करके आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप एक शारीरिक जो है ना अक्षमताएँ उनमें होगी। तो मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों से और जो मीडिया से जुड़े लोग हैं इस पर थोड़ा विचार करें कि हरियाणवी संस्कृति या हरियाणा के लोगों पर आरोप लगाने से पहले थोड़ा सा अध्ययन करें कि तो आप ये मानते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मैं सम्मान करता हूं सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए आप उसका समर्थन करते हैं। मैं समर्थन करता हूं नहीं होनी चाहिए बाहर होनी चाहिए और कारण समझाएं बच्चों को। मैं नहीं कहता कि जोर सबसे ज्यादा जरूरत बात यही है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं हमारी पीढ़ी जो है बड़ी वो उतने अच्छे ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं उस बात को फोर्स ज्यादा करते हैं लेकिन अगर समझाएंगे तो मैं समझता हूं बच्चे होप के हां यंग पीपल विल अंडरस्टैंड जी और वही जाके आई थिंक ये मीडिया में बात समझाई जाएगी तो जो अलग प्रदेशों से जो जर्नलिस्ट हैं जिनकी रिपोर्टिंग का एंगल हरियाणा के प्रति अलग होता है वो जेलसी भरा ज़्यादा होता है जब भी हमारे हमारी प्रोग्रेस से हमारे चाहे वो हमारी खिलखिला के हंसने की आदत है या हमारी वेल्थ है बिल्कुल कहीं ना कहीं एक जेलसी का एंगल भी है दुनिया में मैं मानता हूँ ऐसा मैंने देखा ऐसा होता है।
इससे हटके मैं अगर एक बात पे आऊं कि आपने कैरियर शुरू किया था स्कूल के एक प्रोग्राम से। जी। स्कूल के एक प्रोग्राम में आपको पहली अठन्नी मिली थी, नाम में मिली, और जहां से आपको एक और इंस्पिरेशन मिली कि आप इसके और बढ़ के क्या करें तो आपको कुछ और मिलेगा। वहां से शुरू हुआ आपका कैरियर, यूथ फेस्टिवलों से होता हुआ, रोहतक रेडियो से होता हुआ, मॉरिशस होता हुआ लंदन पहुंचा, और लंदन में उसने अपनी एक जगह बनाई, और उसके बाद एक ऐसा मकाम आया कि भारत देश का प्रधानमंत्री लंदन पहुंचा, एक स्टेडियम में बड़ी सारी सभा की, हम रैली भी कह सकते हैं, लंदन में 65,000 आदमी आना बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में तो आ जाते हैं लेकिन वहां तो बहुत बड़ी बात है। और उस मंच का उद्घोषक आपका होना, उस दिन कैसा लगा था? Well, I felt proud. Actually, मुझे बड़ा गर्व होता है कि वहाँ गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु भाषाओं के पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाले भारतीय नागरिक थे। अरे हरियाणवी उनको कंट्रोल कर रहा था, 65,000 लोग ऑडियंस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे थे वहाँ, और लोगों में उत्साह था। आप जानते हैं कि अपनी लोकप्रियता के बल पर प्रधानमंत्री विदेशों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, भारत से ज़्यादा। तो वहाँ पर गुजराती लोग तो बहुत हैं यूके में, पंजाबी भी हैं, पर दूसरे प्रांतों से भी। देखिए वेम्बली स्टेडियम खचाखच भरा था, एक साइड में तो स्टेज बन गया लेकिन सामने लोग ही लोग नज़र आ रहे थे, और मैं जब मंच पर खड़ा होऊंगा तो मैं उनको नज़र नहीं आऊँगा, वो बड़े बड़े स्क्रीन जो उन पर ज़्यादा मैं नज़र आ रहा हूँ, और वो पूरे भारत में टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों ने तस्वीरें खींच खींच के मुझे भेजी वापस कि आपको हम टीवी पर देख रहे हैं। हाँ, कई भारत सरकार के मंत्रियों ने, हरियाणा सरकार के पदाधिकारियों ने वो देखे और मुझे मैसेजेस भेजे कि वी आर वॉचिंग यू। तो वो बहुत अच्छा अनुभव था, एक कल्चरल प्रोग्राम था पहले भारत की संस्कृति का, और अंत में प्रधानमंत्री का संबोधन। तो वो 3 घंटे का कार्यक्रम था जो मुझे एमसी कहें आप, कंडक्ट करने के लिए एक अनाउंसर कहें, मौका मिला, एंड दैट वाज द बिगेस्ट क्राउड आई वाज एड्रेसिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ मी, और वो भी लंदन में, वो भी लंदन में। मैं ये मानता हूं कि आपके इस उद्घोषक का जो आपका एक कैरियर रहा उसका वो शिखर था। जी जी, जहां भारत का प्रधानमंत्री है उस शान में रवि शर्मा जी खड़े हैं, एक हरियाणवी, एक रोत की, इतने मानसा ने इकट्ठे कर रहा है, रोक रहा है, डांट रहा है, थाम रहा है, है ना। ये बहुत गर्व की बात थी, बहुत बड़ी बात थी, और बहुत सारे हरियाणवी बच्चे जो इस लाइन में आना चाहते हैं वो इन बातों से सीख सकते हैं कि अगर आपकी भी दिशा ठीक हो, आप मेहनती हो और आपका विजन ठीक हो तो आप भी उस मकाम तक पहुँच सकते हैं। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि बखेते का छोरा, टिटोली का भणजा है, और मोदी की स्टेज पे 65,000 अनसा ने लंदन में थाम रहा गगा ठा रहा है। हाँ, तो ये कमाल की अचीवमेंट है, बहुत अच्छा लगा था मुझे, एंड आई विल रिमेम्बर इट थ्रूआउट माय लाइफ दैट प्रोग्राम। बहुत अनुभव जो है वो जिंदगी भर संजो कर रखूंगा मैं। रवि जी, बातें बहुत सारी हैं, सिर्फ ये है कि टेलीविजन की अपनी एक मजबूरी है प्रोग्राम का, एक समय काल का, क्योंकि आप भी समय की मर्यादा बहुत रखते हैं, क्योंकि आप रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं, तो यही एक रीजन है कि मुझे प्रोग्राम यही समेटना पड़ेगा। लेकिन फिर से बात करेंगे, बार बार करेंगे, अलग अलग टॉपिक पे करेंगे, और हो सका तो अगले बार आपका यही इंटरव्यू लंदन में बैठ कर कराएंगे। जरूर कराएंगे, मैं तो कहूंगा स्टूडियो में यार, कितने उस थेम्स रिवर के किनारे बैठ बैठ के न्यारी न्यारी जगह भाई की अचीवमेंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के विचार आपके हैं, जिस तरीके से आपने दुनिया को देखा है, मैं चाहता हूं कि उसकी हर बात को संजोना भी चाहिए और हरियाणा के लोगों तक पहुँचाना भी चाहिए, और हम ये काम जरूर करेंगे। सितारों को नजरों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और तुम भी मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वाह, बहुत खूब सर, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात रवि शर्मा जी के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हरियाणा की एक और हस्ती के साथ, तब तक नमस्कार। हरी माटी मारे लोग।